कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला की अध्यक्षता में हिमाचल भवन में कांग्रेस समन्वय कमेटी की बैठक जारी है और इस बैठक में मुख्यमंत्री के साथ पहुंचे हैं भोरन से कांग्रेस के विधायक सुरेश कुमार। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सूर्य समाचार। थैंक यू। सर, किस तरीके से देखते हैं छह विधायकों का जाना और अब वो जो छह कांग्रेस के बाकी विधायक थे वो सीधे तौर पर अब मैदान पर जो है वो भाजपा की टिकट से उतरेंगे और कांग्रेस को टक्कर देंगे, किस तरीके से देखते हैं? क्या कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक है? क्या कुछ तालमेल बिठाने की कोशिश जो है वो सरकार और संगठन के बीच में की जाएगी? देखिए, ये बड़ी शर्मसार करने वाली घटना है। हिमाचल जैसे शांत प्रदेश और देवभूमि में ऐसा वाक्या होना अपने आप में बड़ा शर्मिंदा भरा वाक्या है और इससे जहां पूरा प्रदेश शर्मसार हुआ है, वहीं हिमाचल प्रदेश की जनता जो है वो भी बड़े आक्रोश में है। जो लोग छोड़ के गए हैं उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ भी धोखा किया है और प्रदेश की जनता के साथ भी धोखा किया है और अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता के साथ भी धोखा उन्होंने किया है। अब ये बात साबित हो गई है, जैसे पहले वो हिमाचल से भागे और पड़ोसी राज्य में उन्होंने शरण ली, फिर एक महीने तक वो अलग अलग होटलों में रहते रहे, अब एक महीने के बाद वो वापस आए हैं और उसके बाद उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट भी दे दी है। तो इससे साबित हो गया है कि यहाँ हिमाचल प्रदेश में के इतिहास में पहली बार हाउस ट्रेडिंग हुई है, ये बात अब साबित हो गई है। जब उनको टिकटें दी तो उससे साबित हो गया कि ये निश्चित तौर पे हाउस ट्रेडिंग का मामला था और इसको अब प्रदेश की जनता ने बड़ी गंभीरता से लिया है और आने वाले समय में जैसे ये जा रहे हैं, पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, तो लोगों का जो गुस्सा है, जो उनका विरोध है, वो भी देखने को मिल रहा है। और इस वक्त जो भारतीय जनता पार्टी में आए गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी में भी खराब की स्थिति पैदा हो गई है, तो इसको देखते हुए आने वाले समय में इनके विधानसभा क्षेत्रों में इनको वहाँ की जनता जो है वो नकारेगी और कांग्रेस पार्टी जो है इन छः विधानसभा क्षेत्रों में पूर्ण बहुमत के साथ जो है दोबारा से वापस आएगी। आपने दावा पूर्ण बहुमत का किया और जिस तरीके से यदि हम आपका जिक्र करें तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर के आप करीबी माने जाते हैं, लेकिन उन्हीं के अपने ज़िले के अंदर तीन विधायक, एक नहीं तीन विधायक, चाहे हम बड़सर से इंद्रदत्त लखनपाल का जिक्र कर लें, सुजानपुर से राजेंद्र राणा का जिक्र कर लें या फिर हमीरपुर से निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा का जिक्र कर लें, आखिर कहाँ पर चूक जो है वो कांग्रेस की रही कि नाक के नीचे से तीन विधायक जो हैं वो क्रॉस वोटिंग कर जाते हैं, क्रॉस वोटिंग करने के बाद वो दूसरे दल में जो हैं वो शामिल हो जाते हैं, कहाँ पे चूक रही आखिरकार? देखिए, इस बात चूक कांग्रेस पार्टी की तरफ से या सरकार की तरफ से कहीं भी नहीं थी, लेकिन जब कोई व्यक्ति अपना ईमान बेचने पे उतारू हो जाए तो फिर ये सारी बातें गौण हो जाती हैं कि कहाँ चूक हुई। जब उन लोगों ने अपना ईमान बेच दिया जिस पार्टी से वो टिकट पे चुन के आए, उस पार्टी की साख को दाव पे लगा दिया, उसके साथ धोखा कर दिया, तो फिर ये सारी चीज़ें जो हैं वो फिर वैसे हो जाती है, इनका कोई अर्थ नहीं रह जाता। जहाँ तक मुख्यमंत्री के ज़िले की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी हमीरपुर ज़िला से आते हैं और हमीरपुर ज़िला में पहले भी मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी वहाँ पे रहे हैं और किन्हीं कारणों से प्रेम कुमार धूमल जी का जो मुख्यमंत्री का पद है वो हमीरपुर की जनता को खोना पड़ा था। अब बड़ी मशक्क़त के बाद ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी दोबारा से इस ज़िला से मुख्यमंत्री बने हैं। अब हमीरपुर की जो जनता है वो मुख्यमंत्री के इस पद को खोना नहीं चाहती है और सारे जो लोग हैं हमीरपुर के, उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा का सवाल इसको बनाया है और वो इन तीन लोगों को भी सबक सिखाएगी और यहाँ से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को जिताएगी। आज की ये जो मीटिंग है, समन्वय कमेटी की मीटिंग बुलाई गई है, कमेटी से इस बैठक से शुरू होने से ठीक पहले प्रतिभा सिंह की तरफ से कहा गया कि वो मंडी लोकसभा का चुनाव जो है वो नहीं लड़ेंगी, लेकिन यदि हम बाकी दिग्गज नेताओं का जिक्र करें, चाहे उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का जिक्र कर लें, सुखविंदर सिंह ठाकुर का जिक्र कर लें या फिर राजीव शुक्ला का जिक्र कर लें, कहीं ना कहीं उनकी तरफ से ज़रूर ये कहा गया
गया कि प्रतिभा सिंह को मैदान में उतरना चाहिए, कांग्रेस की तरफ से मंडी में लोकसभा का चुनाव जो है वो लड़ना चाहिए। किस तरीके से देखते हैं, आखिरकार क्या कमी है कि कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं वो मैदान में नहीं उतरना चाहते, इसके पीछे की क्या वजह है? देखिए, मुझे इस बारे में पता नहीं कि प्रतिभा सिंह जी ने क्या बयान दिया जी, लेकिन हमारे कैमरों के सामने उन्होंने कहा कि वो मंडी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहती और इस बात को लेकर हाईकमान को उन्होंने अवगत करवा दिया है। जब तक मैं स्वयं नहीं सुन लेता तब तक मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। वैसे भी प्रतिभा सिंह जी पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनका अपना रुतबा है, तो उन्होंने क्या कहा है इसके बारे में मुझे पता नहीं। जहाँ तक बात है कि कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की पार्टी टिकट से मना करने की, तो भारतीय जनता पार्टी के तो नौ जो सिटिंग एमपी थे उन्होंने मना किया है। भारतीय जनता पार्टी की तो ऐसी स्थिति नहीं थी, वहाँ तो कह रहे हैं कि मोदी की लहर है, लेकिन उस लहर के बीच भी अगर नौ लोगों ने टिकट लेने से मना किया है तो ये प्रश्न भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास बहुत लोग अनुभवी लोग जो हैं वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और सभी इस दिशा में काम कर रहे हैं और पार्टी के चुनाव की तैयारियों में लगे। एक आखिरी सवाल सर, उपचुनावों का जिक्र करें तो बागी कांग्रेस विधायक बल्कि बनाम कांग्रेस जो है वो देखने को मिलेगा फिलहाल की स्थिति के अंदर, यदि हम तीन निर्दलीय विधायकों को छोड़ भी दें तो बागी कांग्रेस विधायक बनाम कांग्रेस किस तरीके से देखते हैं, क्या कुछ रहने वाला है, क्या कुछ समीकरण जो है वो मौजूदा समय में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? यदि हम आपके जिले का जिक्र करें, तीन सीटें वहां से हैं, हालांकि दो पर तो जाहिर तौर पर चुनाव होगा, एक पर संशय अभी भी बरकरार है। देखिए, बागी विधायक बनाम कांग्रेस का जो चुनाव है बड़ा रोचक होने वाला है, वो इसलिए क्योंकि वो कांग्रेस छोड़ के बागी होकर भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है, उनके जो नेता हैं, उनमें बिखराव आ गया, वो भी पार्टी छोड़ने का कहीं ऐलान कर चुके हैं, इनका कार्यकर्ता बहुत आक्रोश में है, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनके साथ नहीं चलेगा, आम जनता उनके साथ नहीं चलेगी और कांग्रेस से वो छोड़ के गए हैं तो वो लोग भी उनके साथ नहीं चलेगी, तो ऐसे में उनकी जो स्थिति बननी है वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति उनकी बनेगी। हमारा तो इतना कहना है कि हम बड़ी गंभीरता के साथ इन चुनावों को लड़ेंगे और 6 जो विधानसभा क्षेत्र हैं इन 6 की 6 सीटों को निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी जीतेगी और हम अपना जो बहुमत है उसको और ज़्यादा बढ़ाएंगे। आज लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों के नाम जो है वो सामने आ सकते हैं, कुछ चर्चित नामों यदि हम जिक्र करें। देखिए, मैं पार्टी का छोटा कार्यकर्ता हूँ, इस ये टिप्पणी मेरे लायक नहीं है, ये तो पार्टी हाईकमान जानेगी, लेकिन बहुत जल्द जो है पार्टी हाईकमान इस पर निर्णय लेगी। आज भी मीटिंग चल रही है और मीटिंग का दौर चल रहा है पिछले कई दिनों से, और एक प्रक्रिया है कांग्रेस पार्टी का टिकट मिलने की, उस प्रक्रिया के दौर से हम गुजर रहे हैं और बहुत जल्द जो है वो हमारी प्रत्याशियों की सूची जो बाहर आ जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ भोरन से कांग्रेस के विधायक सुरेश कुमार, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी के साथ हर सवाल का जवाब दिया। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन विशाल गुलाटी के साथ रवि चंदेल, सूर्य समाचार।